मुझे खुशी है ये इंट्रोड्यूस करते हुए कि ये लेक्चर सीरीज जो है आज हम ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पी एम ओ टू ऑल द मिनिस्ट्रीज हम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से एक निर्देश था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन करें कॉन्स्टिट्यूशन डे को क्योंकि ये सत्तरवा कॉन्स्टिट्यूशन दिवस है और इसको हम uh, अगर पूरे साल सेलिब्रेट करते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो आस्था है या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो अवेयरनेस है लोगों की वो बढ़ाई जाए और उसको बढ़ाने में ये प्रोग्राम मदद करे तो सारे राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि ये साल भर सेलिब्रेशन किया जाए क्योंकि कुछ दिन हमने दुबे जी को बुला के और जनवरी में ये एक लेक्चर सीरीज कराई भी थी और माननीय दुबे जी ने उस समय बड़ा अच्छा बोला भी था उसके बाद जब हम नेक्स्ट प्लान करने लगे तो फिर ये पेंडेमिक शुरू हो गया प्रोग्राम्स बंद होने लगे थे फरवरी में और उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन हुआ तो अब सब फीयर में थे अब हम धीरे धीरे उस फीयर से बाहर आने लगे हैं तो आई वेलकम बैक अगेन एवरीबडी तीसरी बात यह है कि uh, इस लेक्चर सीरीज से जो कुछ भी निकल के आएगा वो हमारे पास भी और जितने हमारे सारे स्पीकर्स आएंगे उन और मिनिस्ट्री के पास भी ये रिसोर्स रहेगा और इसकी एक रिपोर्ट बना के हम भारत सरकार को भी देंगे कि किस तरह से लेक्चर सीरीज में हमने क्या क्या किया या इसके ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन के लिए हमने और क्या क्या कदम उठाए ये सारी चीज़ें भी हमने धीरे 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 करके आ, लाइंड अप करी हैं और इसमें हमारे स्कॉलर्स हमारी मदद कर रहे हैं हमारे स्कॉलर्स इसका नोट भी लेते हैं हमारे स्कॉलर्स इसकी रिपोर्ट भी बनाते हैं तो वीडियो लेक्चर के अलावा इसकी ऑडियो रिपोर्ट और प्लस इसका शॉर्ट रिपोर्ट भी हम रखेंगे प्लस यही लेक्चर ट्रांसक्राइब करके और लेटर ऑन हम इसको पब्लिश भी करेंगे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की ओर से अब आ, मैं फॉर्मली आई वेलकम श्री डी के दुबे जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं दुबे साहब और आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकाल कर और हमें हमारे स्कॉलर्स के लिए और ना केवल स्कॉलर्स के लिए ये देश दुनिया में जाएगा क्योंकि हम सब जगह इसको पहुंचाने वाले हैं तो आपने समय दिया और हम समझते हैं कि इससे हमारा ज्ञानवर्धन होगा साथियों श्री डी के दुबे जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एडवोकेट की हैसियत से वहाँ पर काम करते हैं इसके अलावा ये ये एक बहुत अच्छे वकील तो हैं ही साथ में इनके अलावा इनके बहुत सारे सामाजिक कार्य शैक्षणिक कार्य और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो का काम है वो बहुत सारे हैं ये जे एंड के जितने भी इश्यूज़ हैं उन पर एक्सपर्ट हैं और ये बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भारत सरकार के जैसे आई आई पी ए है जहाँ पर सिविल uh, सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर एज़ रिसोर्स पर्सन जाते हैं इसके अलावा uh, हमारे दुबे जी uh, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एज लीगल एक्सपर्ट उनके स्टूडेंट्स को लीगल uh, एडवाइज के लिए या ट्रेनिंग के लिए या लेक्चर के लिए तीनों तरीके से जाते हैं और दुबे जी का एक बहुत और अच्छा काम है कि दुबे जी अपने आप में एक बहुत बड़े रिसोर्स पर्सन होते अपना एक सेंटर भी जिसमें इनके पास इंटर्न्स होते हैं लॉ इंटर्न्स लीगल इंटर्न्स जिसमें ये उनको एक्सपर्ट बनाते हैं और लीगल इश्यूज पे उनसे चर्चाएं करके रिपोर्ट बनाते हैं बहुत सारे रिपोर्ट्स पेपर्स पब्लिश करते हैं और बहुत सारे काम हैं मतलब ही ऑप्शन ऑफ लॉ एंड वी आर दन डीप इन टू दी ओशन एंड लाइक टू डिप एंड लाइक टू एक्सट्रैक्ट समबल फ्राम दिस ओशन तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की तरफ से और तो मेरे सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दुबे जी और आपको हैंड ओवर करता हूँ लेक्चर शुरू करने के लिए धन्यवाद जी थैंक यू डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी एंड अदर फैटर्निटीज एंड लीगल एक्सपर्ट एंड द वेरियस फैटर्निटीज ऑफ दिस कंट्री टुडेज टॉपिक वॉट एवर इज़ गिविन टू मी दैट इज जुडिशरी इन कॉन्स्टिट्यूशन विषय बहुत बड़ा है तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि कंक्लूड कर लूँ एक्चुअली इन द जुडिशरी वी हैविंग फोर स्टेक होल्डर्स जुडिशरी में चार स्टेक होल्डर्स होते हैं पहला है कोर्ट कोर्ट के अंदर दो हैं बार एंड बेंच यानी कि जो प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स हैं एंड द जजेस हु आर ऑन द सीट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हु हैव टू गेट द जजमेंट थर्ड स्टेक होल्डर अगर हम इसमें कहें या सेकंड स्टेक होल्डर कहें तो वो वादकारी हैं या प्रतिवादी हैं जिनको केस कोर्ट में लड़ना है तीसरा जो स्टेक होल्डर है वो सरकार भी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट विल मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर बाय द एग्जीक्यूशन एंड द फोर्थ इज ना ही वो सरकार हैं ना ही वो कोर्ट हैं ना ही वो वादकारी हैं वो चौथे हैं द जनरल पब्लिक ऑफ हैज हुजू और हु आर बिलीविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ आर कंट्री तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर वो परसेप्शन बनाते हैं परसेप्शन के आधार पर वो तय करते हैं कि वाकई में ऑल द फंक्शंस आर वेल और नॉट इसमें एक द्वंद लगातार हमारे बीच में चलता है दैट इज एन एग्जीक्यूटिव वर्सेस ज्यूडिशियरी कि भाई हु विल प्रिवेल ओवर दिस एग्जीक्यूटिव विल प्रिवेल और द ज्यूडिशियरी विल प्रिवेल ये द्वंद लगातार आज से हमारे यहां नहीं चल रहा है वर्षों से ये ब्रिटिश टाइम पर भी ये द्वंद चलता था हम अब आ जाते हैं बार बेंच पर और खास तौर से जो इस समय का भारी इशू बना हुआ है देश में पिछले चार पाँच साल से फाइनली uh, आफ्टर 2015 जब एन के जजमेंट एन का जजमेंट आया नाइन्टी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया और नाइन्टी नाइन्थ अमेंडमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ चैलेंज होने के बाद 2015 में वो स्ट्रकआउट हुआ तो अब उस विषय पर मैं चाहता हूं कि uh, उसका जो एक्सट्रैक्ट है या उसका जो बेसिक फिलोसफी है वो आर्टिकल 124 ट्वेंटी फोर टू में है आज का और आर्टिकल 124 2, ये एक एक्सपेक्ट है कि का अपॉइंटमेंट और दूसरा एक्सपेक्ट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव तो क्या ये दोनों मिक्स हैं या सेपरेशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट है और जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है दैट इज इन पार्ट ऑफ द जुडिशियरी एंड दैट इज इन पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ये एक बड़ा इशू हमारे देश में है आज की तारीख में देयर इज नो डाउट दैट द जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ये कांग्रेस का अपनी डिमांड रही है जिस समय ब्रिटिश शासन था और उसके बाद जब 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 हम 124 लेकर आए ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 103 हुआ करता था तो आर्टिकल 103 जब हम लेकर आए

एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिस्टिंक्शन की बात आती है और उसमें पूरे डिस्कशन हुए और उस पर जाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक अमेंडमेंट उस समय के टी शाह प्रोफेसर के टी शाह हुआ करते थे उन्होंने रखा और प्रोफेसर के टी शाह का अमेंडमेंट आर्टिकल वन जीरो टू कैपिटल ए हुआ करता था आर्टिकल वन कैपिटल ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें उन्होंने कहा था देर मस्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल विल से जुडिशरी शैल बी सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखा जाए इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई कृष्णास्वामी अयर अल्लादी स्वामी अय्यर उन्होंने इस पर रिप्लाई दिया और उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल जो है सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये आर्टिकल यहाँ पर लाया नहीं जा सकता और इसको नहीं रखना चाहिए इन जनरल जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सेपरेट है लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको एकदम सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी में वन नेशन है जो सबको मिलकर काम करना एकदम सेपरेट अगर हम लिख देंगे तो फिर इससे समस्याएं हो सकती हैं बिकॉज वी हैव द्वासी जुडिशियल बॉडीज आल्सो और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि वी विल गो टू द ऑस्ट्रेलिया मैं ऑस्ट्रेलिया का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशल अपॉइंटमेंट जुडिशल सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है और जिस समय अभी ये जजमेंट आया है एन का उस समय भी ऑनरेबल कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया है ऑडि ऑस्ट्रेलियन जुडिशल सिस्टम का हवाला दिया है और इसलिए और मैं ऑस्ट्रेलियन जुडिशल सिस्टम को यहाँ कोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि जजेस ट्रांसफ़र वन में जब एसपी गुप्ता का जजमेंट आया और जिसको जस्टिस ट्रांसफर वन कहते हैं जस्टिस भागवती ने भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल कमेटी की बात की है और सरकार को एडवाइस दी है कि आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर करके इस ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन जिस समय आर्टिकल वन जीरो टू कैपिटल ए का डिस्कशन चल रहा था उस समय भी आया और आ, कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसमें कहा कि देखिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को सेपरेशन एग्जीक्यूटिव से रखा गया था उसका नतीजा जुडिशियल कि तो नहीं, तो नहीं किया जा सकता एंड बिकॉज देर वॉज द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वाई द प्रीवी काउंसिल डिसाइडेड तो उन्होंने कहा ये मैटर जो उनका कंफ्लिक था ये प्रीवी काउंसिल तक गया था और प्रीवी काउंसिल ने उसमें डिसाइड किया था उस समय कि ये कॉन्स्टिट्यूशल बॉडी भी इसमें होनी चाहिए इसलिए कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो सकता जबकि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट सेपरेशन की बात कही है। तो कृष्णस्वामी स्वामी अयर आय, ने अलादी स्वामी कृष्णस्वामी अयर ने जब इस बात को रखा तो उसके बाद जो के टी शाह का अमेंडमेंट था कि इसको आर्टिकल बनाकर रखा जाए उस पर फाइनल जो बात कहनी थी वो डॉक्टर साहब को कहनी थी

डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जिसको आप आज आर्टिकल फिफ्टी कहते हैं तो डॉक्टर साहब मैं वहां जब डॉक्टर साहब को पढ़ने के लिए वहां पहुंचे हम आर्टिकल थर्टी नाइन कैपिटल में तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां पर जो पहला प्रपोजल दिया था उन्होंने कहा था देर मस्ट बी एन डिस्टिंगशन ऑफ जुडिशरी फ्राम द एग्क्यूटिव विद इन थ्री इयर्स फ्रॉम द फ्राम द इनफोर्समेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पहला अमेंडमेंट उन्होंने ये रखा नाउ द सेकंड डे सेकंड डे की अगर हम बात करें तो आ, नवंबर 1948 की बात कर रहे हैं ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवंबर 1948 तो 1948 को 25th में डॉक्टर साहब ने वो अमेंडमेंट वापस ले लिया और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया है और सबका कहना है कि इस हालात में जिस तरह से हमारा देश चल रहा है इस सिचुएशन में अभी टाइम बाउंड नहीं किया जा सकता बट

ये बात जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए कम से कम टाइम में होना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं और उसी 39 कैपिटल में जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित हुए और उन्होंने भी कहा कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बात से सहमत हूं कि सेपरेशन होना चाहिए तो नाउ द क्वेश्चन इज दिस दैट जुडिशरी टे अगर जनता का भरोसा गेन करना है, का भरोसा गेन करना, को भरोसा गेन करना है तो हमको जुडिशियल फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में फर्क करना पड़ेगा इसलिए कृष्ण स्वामी अयर ने कहा कि हियर वेन वी आर टॉकिंग द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द जुडिश से तो अब सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शन दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट में ही तय हो गया था कि जुडिशियल फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जुडिशियरी में भी अलग अलग हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कई एक जजमेंट भी आए जिनमें उन्होंने रूपा अशोक होरा का जजमेंट आया इसमें कहा कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग फंक्शंस हैं और कोर्ट के ही दो फंक्शन है एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है एक जुडिशियल फंक्शन है जुडिशियल फंक्शन कैन नॉट बी चैलेंज बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस द रिट कैन बी इश्यूड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा तो अब उस विषय को अगर आर्टिकल 103 क्लॉस 2 जो आज का आर्टिकल 124 क्लॉज 2 है मैं फिर से कह रहा हूं कि एनजेएसी का जो जजमेंट आया जिस पर जुडिशरी के प्रति लोगों के प्रश्न खड़े हुए वो आर्टिकल 124 ट्वेंटी फोर क्लास टू है जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 103 आर्टिकलॉस टू है जिसमें ग्यारह अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे अम्बेडकर के अंगेस्ट में लेकिन डॉक्टर साहब ने वो सारे अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिए थे और फाइनली जो उन्होंने कहा वही पास हुआ और आज वही सिस्टम है लेकिन एनजेसी जजमेंट जो अभी आया 2015 में वो डॉक्टर अंबेडकर और टीटी टी कृष्णाचारी के टी शाह जितने भी डिस्कशन वहां पर हुए उनसे थोड़ा डिफर करता है दैट इज वाई इट इट नीड्स अ रिव्यू अगेन क्या हुआ डॉक्टर साहब के सामने जब उन्होंने फाइनल स्टेटमेंट इसमें दिया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे सामने इस समय जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर तीन चीजें हैं अब मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 39 कैपिटल ए में डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि इसको अलग करना है और जब तक ये अलग नहीं होगी तब तक देश की फंक्शनैलिटी अच्छे से नहीं चलेगी और अब आर्टिकल 103 क्लॉस 2 में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहां पर नाउ वी आर डिस्कसिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट यानी कि वो स्वयं कह रहे हैं जुडिशियल फंक्शन इज डिफरेंट वो 39 कैपिटल ए से डील होता है और ये जो अपॉइंटमेंट का मैटर है एन एंड इज आर डिस्कसिंग इसलिए उसको भी रिजेक्ट कर दिया था और इसीलिए वहां पर कहा गया था वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट द जुडिशियल फंक्शन सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शन तो अब सवाल यह आता है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये अपॉइंटमेंट एक बड़ा चर्चा का विषय काफी वर्षों से है एटलीस्ट नाइनटीन के बाद से है तो इसका मर्म क्या उस समय आया था मैं उसके लिए आपको बताऊं कि 1982 का जब एसपी गुप्ता का जजमेंट आया तो एसपी गुप्ता जजमेंट में ऑनरेबल जस्टिस भागवती ने कहा कि जुडिशियल फंक्शन एंड द अपॉइंटमेंट आर द डिफरेंट

कमेटी बनी उस कमेटी ने प्रपोजल दिया 1984 में 1980 uh, 1979 में वो प्रपोजल आया और 82 के प्रपोज ये ऑर्डर के बाद ये 87 में प्रपोजल आया लेकिन uh, सरकार चल नहीं पाई लोकसभा में तो लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया नतीजा ये निकला कि वो डिस्पेंडेंस होते होते 1993 में चैलेंज हुआ 1993 के बाद 1999 में वाजपेयी गवर्नमेंट बैठी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन रेफरेंस केस पूछा और उसके बाद ये 2015 का एनजेसी जजमेंट आया और एनजेसी जजमेंट में अपॉइंटमेंट के फंक्शन को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल फंक्शन बता दिया कहा कि देर मस्ट बीन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव दैट इज बाय अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी इंटरविंड बाय द एग्जीक्यूटिव अब आ जाइए कि ओरिजिनली क्या हुआ था तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब कहा 103 जीरो क्लास टू में तो उन्होंने कहा कि तीन बातें इस डिस्कशन में निकल कर आई जो दो दिन डिस्कशन चला उसमें तीन बातें निकल कर आती हैं पहली बात यह है कि हमें ऑस्ट्रेलियन सिस्टम को अडॉप्ट करें दूसरी बात यह है कि हम अमेरिकन सिस्टम को अडॉप्ट करें और तीसरी बात यह है कि जो प्रपोजल्स वेरियस डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हैं और जैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है वैसे हम अपॉइंटमेंट करें तो उन्होंने हवाला दिया यूएस सिस्टम का हवाला दिया क्योंकि कुछ प्रपोजल आए थे जिसमें यह कहा गया था कि यूएस सिस्टम को हमको अडॉप्ट कर लेना चाहिए इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट यूएस सिस्टम क्या है एज पर दू एस कॉन्स्टिट्यूशन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी मेड बाई द प्रेसिडेंट विदल्टेशन ऑफ हिस कलीग्स और हिज हिज मिनिस्ट्रीज बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ कन्फर्मेशन फ्रॉम सिनेट अब यह ट्विस्ट है कि जो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेगा अपनी मिनिस्ट्री से बात करके काउंसिल से बात करके अपॉइंटमेंट कर देगा लेकिन वो अपॉइंटमेंट कन्फर्म तभी होगा जब सीनेट उसको कन्फर्म कर देगी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेजोरिटी पाने के बाद प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कर देता है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट एंड सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन फ्रॉम द लोकसभा हैविंग द द द मेजोरिटी इन इन लोकसभा लोकसभा इफ इफ ही इज देन विल विल बी कंटिन्यूड नॉट पास इन द लोकसभा देन विल ऑटोमेटिकली वैनिश सेम उसी स्टाइल में अमेरिका का जो सिस्टम है और मैं अमेरिका का सिस्टम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा डिस्कस किया है वहां पर तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन सिस्टम के अनुसार चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट और अदर जजेस का अपॉइंटमेंट दोनों अपॉइंटमेंट को सुप्रीम उसमें सिनेट में लाना पड़ता है और सिनेट जब अप्रूवल दे देती है उसके बाद और सिनेट अगर उस पर कंफर्मेशन नहीं देती तो सिनेट क्या करती है कभी कभी चीफ जस्टिस को सिनेट में कॉल भी कर लेती है एंड वेरियस द क्वेश्चन फ्रॉम द चीफ जस्टिस दैट हाउ यू अंडरस्टैंड एंड द फेडरल सिस्टम ऑफ यूएसए और

पब्लिक परसेप्शन नहीं मालूम है या हम कहें पब्लिक पॉलिसी नहीं मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखे होने के बावजूद भी so, तो ये उनकी फिलॉसफी है इस बात पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नाउ द प्रपोजल इज हेयर टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ये प्रपोजल था तो उन्होंने कहा कि इन आर कंट्री वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज वी आर नॉट लीगली सो अवेयर लाइक द यूएस सेनेटर्स इज अवेयर इसलिए हमारे यहां ये जो अपॉइंटमेंट है ये दे देना पार्लियामेंट को ये मेरी नजर में उचित नहीं है दूसरा प्रपोजल जो उन्होंने कहा वी हैविंग इन डिस्कशन दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद अपेड बाई द प्रेसिडेंट बाई हिज वॉरेंट एज ही डीम्ड फिट तो उन्होंने कहा वी कैन नॉट गिव द फुल पावर टू द प्रेसिडेंट इवन द प्रेसिडेंट इज कनेक्टेड विद आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 से प्रेसिडेंट नो डाउट उन्होंने कहा कनेक्टेड है मींस प्रेसिडेंट इज नॉट अ सोल अथॉरिटी इन इंडिया इफ द प्रेसिडेंट विल डिसाइड देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू टेक द कंसल्टेशन एंड कंकरेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो उन्होंने कहा बट वी कैन नॉट लीव फुल्ली द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूटिव उसका पूर्ण रूप से अपॉइंटमेंट करें यह भी हम नहीं दे सकते पूरा एग्जीक्यूटिव के हाथ में इफ द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव विल विल बी द द द सोल अथॉरिटी टू अपॉइंट जजेस देन इट इज पॉसिबल दैट प्रिवेल ओवर द जुडिशरी तो फिर जस्टिस uh, कौन करेगा और जुडिशरी इन्फ्लुएंस में आ जाएगी सरकार के इसलिए जुडिशरी का फंक्शन ठीक से नहीं चल सकता तो इस पर भी हम एग्री नहीं है एंड द थर्ड प्रोपोजिशन ही डिस्कस्ड दैट वाज कि जो जजेस हैं वो अपॉइंटेड बाय द कंसल्टेशन एंड कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस एंड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस देर मस्ट बी इन द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट तो उनके उनसे चर्चा प्रेसिडेंट करे उनसे कंसल्ट करे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करे उसके बाद चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कर दे और अदर जजेस का अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन पर करे एंड दैट कंसल्टेशन मस्ट बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट तो उन्होंने कहा वी कांट गिव द फुल पावर फुल वीटो पावर टू द जुडिशरी ऑल्सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम इस मामले में जुडिशरी को फुल बीटो पावर नहीं दे सकते इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ द जुडिशियल फंक्शन मीन एवर देर इज अ डिस्प्यूट टू द जुडिशरी टू डिसाइड द मैटर देन द जुडिशरी फुल पावर टू डिसाइड इट एंड देर मस्ट नॉट बी इंटरवेंशन बाई एनी वन एल्स

उन्होंने कहा कि जैसे हम एक सामान्य व्यक्ति हैं हमारे सामान्य व्यक्ति की तरह ही चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस हैं वो भी भावनाओं में बह सकते हैं वो भी सोशल लोग हैं इसलिए वो फेवर कर सकते हैं इस फेवर न कर पाए इसलिए हम उनके हाथ में वीटो पावर नहीं देना चाहते ये तीन प्रपोजिशंस जो मेन आई थी उस पर उन्होंने डिस्कशन किया एंड फाइनली ही दैट वी अ मिडिल वे हमने इसमें एक बीच का रास्ता निकाला है वॉट वॉट द मिडल वे डॉक्टर अम्बेडकर दैट द चीफ जस्टिस विल बी अपॉइंटेड बाई द विद द द कंसल्टेशन ऑफ अदर जजेस एंड द लीगल फैटर्निटी ऑफ दिस कंट्री बाय द प्रेसिडेंट इवन विद द कंसल्टेशन एंड एड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट वेन वी आर अपॉइंटिंग द अदर जजेस द एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी देयर एंड द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस विल बी बेर तो उन्होंने कहा हम दोनों को मिलाकर एक बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि इसमें एग्जीक्यूटिव भी शामिल हो और इसमें जुडिशरी भी शामिल हो कि जब अपॉइंटमेंट किया जाए तो एग्जीक्यूटिव का जो प्रपोजल है या प्रेसिडेंट का जो प्रपोजल है वो जुडिशरी की कंसल्टेशन के लिए भेजा जाए जुडिशरी उस पर जो रिमार्क करे उस रिमार्क को कंसिडर करने के बाद ही अपॉइंटमेंट हो इसलिए ये मिडिल वे हमने निकाला तो वो आर्टिकल 124 में जो हमारे पास वे है आज की आज अभी तक था 1999, 1993 तक वो ये था कि विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट का मतलब है आर्टिकल 74 साथ में है और आर्टिकल 74 साथ में है का मतलब है कि एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और साथ में उन्होंने कहा कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन पर विचार प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा यह हमारे यहां 1993 तक चला और ये जो एसपी गुप्ता का जजमेंट आया 1993 में चैलेंज हुआ 19 जिसको हम एडवोकेट ट्रांसफर ऑफ जजेस केस टू कहते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसमें उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन को डिफाइंड किया और एक कंसल्टेशन uh, के मामले में पहले का जजमेंट था टू ट्वेंटी टू का तो उस कंसल्टेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने यह कह दिया अब कि कंसल्टेशन इज नॉट अ मेयर कंसल्टेशन बट अ कंसल्टेशन मस्ट बी एन एफेक्टिव कंसल्टेशन इतना उन्होंने कहा नाउ वॉट आर द मीन ऑफ द एफ कंसल्टेशन सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दैट मैटर इट द एफेक्टिव कंसल्टेशन मीन द प्रेसिडेंट कैन नॉट एपॉइट एनी जजेस विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निगेटेड एनी पर्सन मीन्स दॉट पॉसिबल और साथ में उन्होंने उसमें यह भी कह दिया कि नाउ द चीफ जस्टिस इज नॉट अ सोल अथॉरिटी ही विल ऑल्सो डिस्कस विदू सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो वो अब तीन की कॉलेजियम उस समय पहली बार बनी बाद में 1999 वाले में वो पांच की कॉलेजियम बनी लेकिन उस समय तीन की कॉलेजियम बनाई अब ये हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल, विल विल प्रपोज इट ओनली प्रपोजल कौन तैयार करेगा 1993 के बाद प्रपोजल भी जुडिशरी तैयार करेगी और जुडिशरी नाम प्रपोज करेगी और उस नाम को जो प्रपोज किया गया होगा उस नाम को आ, बाउंड होगा कि वो उनको प्रेसिडेंट uh, को अगर कुछ ऑब्जेक्शन हैं तो नाउ आल्सो अगेन पहले क्या था नेम विलेशन ऑफ द चीफ जस्टिस नेम विपोज बाय द कोर्ट एंड कंसल्टेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेकिन उस समय कोर्ट के पास वीटो नहीं थी और अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास से वीटो खत्म हो गई केस एकदम पलट गया जो डॉक्टर अंबेडकर की चिंताएं थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वी डोंट वांट टू गिव द वीटो पावर टू द जुडिशरी बिकॉज द ज्यूडिशियल पर्सन इज आल्सो द सिंपल पर्सन लाइक मी एंड दे हैविंग स्ट्रक्चर एंड द सोशल मेंटेलिटी एंड इट मे फेवर एंड दे मे फेवर टू समवन वो बात 1993 नाइन थ्री तक डॉक्टर की चली और 1993 के बाद वो रिवर्स हो गई विवाद चलता रहा ये लंबे समय तक 1999 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर से सुप्रीम से सुप्रीम कोर्ट पूछा उन्होंने कहा कि क्या इस पर कुछ और रास्ता हो सकता है केवल दो लोगों की कंसल्ट दो लोगों का ऑर्डर इतना बड़ा अपॉइंटमेंट कर सकता है क्या दो लोगों का मतलब चीफ जस्टिस और उसके साथ के दो सीनियर जजेस इन तीन लोगों के बीच के 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 रिकमेंडेशन पर क्या इतने बड़े अपॉइंटमेंट हो सकते हैं क्या इसमें फेयरनेस फेयरनेस होगी क्या ये ऐसी ही होनी चाहिए या इसमें संभावना है प्लीज सजेस्ट मी उन्होंने सीधा कोई परिवर्तन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मान लिया सुप्रीम कोर्ट की फिर बड़ी बेंच बैठी और सुप्रीम कोर्ट ने अब वो टू प्लस वन की जगह फोर प्लस वन कर दिया फोर प्लस वन का मतलब हो गया चीफ जस्टिस प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इनमें से ही किसी सीनियर जज को इन जजेस में से जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा तो अब वो चूंकि जजमेंट आ गया तो वो प्रैक्टिस चल गई अब कॉलेजियम बदल गई लेकिन तरीका वहीरा नाउ द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डू नॉट हैविंग द डिस्क्रिपन इन दिस एंड द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू टेक द कंसल्टेशन और नेम प्रपोज बाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विवाद देश में चल ही रहा था बहुत सारे प्रश्न देश में उठने शुरू हो गए लीगल फैटर्निटीज के बीच में कि भाई जुडिशल फंक्शन भी आपके पास ही है एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी आपके पास ही आप अपने ही अपॉइंटमेंट करेंगे और आप ही जजमेंट करेंगे तो फिर इसमें फेयरनेस की गुंजाइश कम रहती है 2014 में नई गवर्नमेंट बैठी तो उसने नाइनटी अमेंडमेंट किया और नाइनटी अमेंडमेंट करके आर्टिकल वन कैपिटल ए जोड़ दिया और आर्टिकल 124 कैपिटल ए जो उन्होंने जोड़ दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिठाएंगे जिसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा एनजेएसी और उसमें छह स्टेक होल्डर रखे गए उन छह में तीन स्टेक होल्डर तो सुप्रीम कोर्ट के ही हैं और चीफ जस्टिस एक्स ऑफिशियल चेयरमैन उसमें रखा गया और बाकी के दो जो नाम हैं बाकी तीन बच्चे वो नाम प्राइम मिनिस्टर लॉ मिनिस्ट्री और लीडर ऑफ अपोजिशन ये तीनों मिलकर बाकी के नाम प्रपोज कर देंगे और इसमें दो नाम प्रपोज कर देंगे और इसमें जो लॉ uh, मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियल मेंबर हो जाएगा ऐसे छह हो जाएंगे बट इसमें कंडीशन यह थी इफ एनी टू आउट ऑफ दिक्स विल रिजेक्ट द नेम देन अपॉइंटमेंट इज नॉट पॉसिबल इनमें से कोई भी दो हो सकता है दो जजेस मना कर दें हो सकता है चीफ जस्टिस और उनके साथ का कोई एक जज मना करते कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है हो सकता है जो दो रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर ने और लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रपोज किए थे वो दो मना करते हैं हो सकता है कि लॉ मिनिस्टर और प्लस एक और कोई मेंबर मेम्बर यानी कि उन्होंने कहा कि कम से कम पांच लोगों की कंकरेंस इसमें चाहिए तभी जजेस का अपॉइंटमेंट हो सकता है ये एनजेसी का मतलब नाइनटी नाइन्थ अमेंडमेंट था वो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में फिर से अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 1982 का जजमेंट, जिसमें जस्टिस भागवती ने कहा कि अपॉइंटमेंट प्योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड दैट नॉट एंडिशियल फंक्शन और इसी बात को कृष्णा स्वामी अयर ने 102 कैपिटल ए को प्रपोज कर जब जब डिबेट कर रहे थे तब कहा था इसी बात को 39 कैपिटल ए की जब डिबेट चल रही थी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अब उसी बात को फिर से सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच में वो आ गया और चार एक से जजमेंट आ गया जस्टिस चिलमेश्वर अलग थे उनका डिसेंडिंग ऑर्डर था जबकि पांचों ने अपना सेपरेट ऑर्डर लिखा था और चार का एक तरफ था जिसमें यह कहा गया कि नाउ वी आर एडॉप्टिंग ज्यूडिशरी विल बी एंड शैल बी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन ऑल द वे सभी रास्तों से हम उसको अलग रखेंगे

कंडीशन है और कंडीशन उसमें अलग से एक थर्ड अपॉइंटमेंट कमीशन बैठा हुआ है ये बात उस समय कृष्ण स्वामी अयर ने भी कहा था कि इसके रिजोल्व करने के लिए हमको तीसरी बॉडी बिठानी पड़ेगी अगर हम ऐसा करते हैं तो क्योंकि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को टोटल सेपरेट कर देंगे और टोटल सॉवरन टाइप की बॉडी बना देंगे अगर तो इनमें क्लैश होता रहेगा और इनमें क्लैश होता रहेगा तो इनका क्लैश कौन सॉल्व करेगा एक्टिव इज करेक्ट और जुडिशियरी इन दोनों का जो क्लैश है उसको सोल्व करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में तो प्रीवी काउंसिल था जिसने किया हमारे यहां ऐसी बॉडी है नहीं इसलिए इस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसलिए वी आर सींगट द जुडिशरी विल नॉट बी इन द सबिनेशन ऑफ द एक्टिव बट जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन विल बी सेपरेट एंड द फंक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी सेपरेट तो इस njc के जजमेंट में उनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं भाई ये टोटल सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी इसलिए वो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है अपॉइंटमेंट का वो भी जुडिशियरी ही प्ले करेगी और इस पर हमारे यहां बड़ा विवाद है ये फंक्शन मुझे लगता है कि हम सबको अनवे सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर काम करने की इस एक पहलू पर मैंने जैसे चार पहलू बताए थे उनका एक पहलू आज हम लोगों ने डिस्कशन किया जिसमें हमने कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ये पूरा सिनेरियो 1947 या जो सेक्शन 200 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइव वो है उससे लेकर अभी तक डिस्कशन किया लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस पर रिफॉर्म की हमें जरूरत है दूसरे सिस्टम पर जब हम अगर आपके पास अभी समय हो तो बात अलग है नहीं तो वो अलग से एक सेपरेट हम लोग करें तो अच्छा होगा कि जनता का फेथ जुडिशरी के ऊपर कैसे हो और संसार में कहां कहां कौन कौन से मॉडल चल रहे हैं जो जनता के फेथ को लेकर फेयरनेस ऑफ तो द जुडिशरी को लेकर जो प्रश्न है उनको सॉल्व किया गया है अभी आज के लिए मुझे लगता है कि हमने उन चार पार्टों में एक पार्ट डिस्कशन किया है कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी क्या ओरिजिनल थॉट था हमारा जिस समय हमने अपॉइंटमेंट शुरू किया था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और क्या हम बीच में प्रपोजल लेकर आए और क्या जुडिशरी ने उसके बाद जजमेंट आने के बाद कैसे-कैसे हम बढ़ते हुए आज कोलिजियम सिस्टम पर बने हुए हैं और कोलिजियम सिस्टम जो 1999 का जजमेंट है और जिसको उसने दोबारा 2015 में कंफर्म किया उसके अनुसार तो कोलेजियम सिस्टम है जिस पर मुझे लगता है कि आज भी देश में भले ही खुली जबान में लोग ना कह रहे हों लेकिन दबी में इस पर चलते रहते हैं लीगल फेटर्निटी के बीच में डिस्कशन चलते रहते हैं एक्स जजेस के बीच में डिस्कशन चलते रहते हैं सिटिंग जजेस के बीच में डिस्कशन चलते रहते हैं तो इसको एंड करने के लिए एक प्रपोजल जो उस समय डिस्कशन हुआ खासतौर से मैंने कहा कि नवंबर 1948 में और मार्च 1949 में ये आर्टिकल 39 कैपिटल ए और आर्टिकल 102 कैपिटल ए इन पर जो डिस्कशन हुए उनको पूरा शॉर्ट आउट करके हमको उस पर प्रपोजल बनाकर कोर्ट को भी देना चाहिए जुडिशियल और 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 सरकार को भी देना चाहिए ताकि इस पर दोबारा कुछ रिफॉर्म की गुंजाइश अगर दिखती है तो हो सके अदरवाइज़ कोलेजियम सिस्टम तो आज है ही मुझे लगता है कि हमने टॉपिक विद इन फोर्टी मिनट्स जो आपने हमें दिए थे उसमें एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है आउट ऑफ फोर जी, दुबे जी और बड़ा भी आपका वक्तव्य रहा है हम एक्सपेक्ट ही करते हैं आपसे और आप अपनी कॉन्फिडेंस तो को यूज करते ही हैं। साथ ही साथ हमारी उम्मीदों